हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनुष्का महाजन और आज के इस ब्लॉग में मैं जा रही हूँ ज्याल हाउस और उसका एक छोटा सा टूर कराने, ताकि आप ज्याल हाउस के बारे में और ज़्यादा जान सको। एंड ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि इसमें मैं कस्टमर से भी रिव्यूज लूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं एंटर हो रही हूँ, तो आपको एंट्री दिखाती हूँ। तो ये है एंट्री। यहाँ पे ऐसे पूरा वॉलपेपर बना हुआ है केक्स और पेस्ट्रीज का, और ये प्योर वेज है ज्याल हाउस। और ये इसकी एंट्री। यहाँ पे कैश काउंटर है, यहाँ पे ऑनर अपने काम कैश वैश कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रूट केक्स और सब चॉको ब्राउनीज पड़ी है, और यहाँ पे कैमराज भी लगे हैं एंड वो काम कर रहे हैं अपना। और ये लेफ्ट साइड पे स्नैक्स काउंटर है, और यहाँ पे कस्टमर हैं जो देख रहे हैं। और यहाँ पे ज्याल हाउस के सारे स्नैक्स हैं, पिकल्स भी हैं और मिक्सचर्स रस भी हैं और सेलिब्रेशन पैक्स भी हैं। और यहाँ पे केक्स और पेस्ट्रीज हैं सारी। यहाँ पे ज्याल हाउस का कोड भी है और मिल्क भी है। यहाँ लॉलीपॉप्स हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और फेनल सीड्स भी हैं और डेट्स भी हैं। और यहाँ पे भी स्नैक्स हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ास, काठी रोल्स, पैटीज, क्रोसेंट, सैंडविचेस। टोफू भी है यहाँ पे, अगर आप हेल्दी पर्सन है तो आपको मतलब हेल्दी चीज़ें पसंद है तो आप ये टोफू भी खा सकते हैं। और यहाँ पे ज्याल हाउस की ब्रेड्स भी हैं, आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और व्हीट ब्रेड भी है। और यहाँ पे सेलिब्रेशन के पैक्स भी हैं कि अब बर्थडे पार्टीज है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम काउंटर भी है, अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम है, ज्याल स्पेशल, स्ट्रॉबेरी, पान बीड़ा, चॉकलेट, वनीला, चॉको ब्राउनी। यहाँ पे बिस्किट कॉर्न्स भी हैं, बिस्किट फ्लेवर होता है, और एक डार्क चॉकलेट कॉर्न भी है, वो भी अवेलेबल नहीं है लेकिन वो भी है। और यहाँ पे भी आइसक्रीम है, यहाँ पे भी कॉर्न्स हैं, मटका कुल्फी है, पीला कुल्फी भी है। तो ये कस्टमर है जो ये ले रहे हैं चिप्स और कुल्चा। मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे ज्याल हाउस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो आप उसके आंसर्स बताइएगा। कि ज्याल हाउस आप मतलब कब से आप आ रहे हैं और आपको कैसा लगता है यहाँ की सर्विसेज? ज्याल हाउस आते हैं हमें 5-6 साल हो गए हैं और यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। हर एक आइटम मतलब अंडर ए फ्लोर आपको हर एक चीज मिल जाएगी, केक, बेकरी, हर एक चीज। और यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो कोऑपरेटिव हैं, और यहाँ की सर्विस कैसी है, अच्छी है, बुरी है कि नहीं? बहुत अच्छी है, अच्छा है। तभी नाम चल रहा है इनका काफी देर से। हम तो रेगुलर आ रहे हैं 5-6 साल से, तो मैं तो बोलूँगी कि सभी आए यहाँ पे। यहाँ आपकी आपको फूड आइटम्स कैसी लगती हैं? फूड आइटम्स अच्छी हैं सभी, वही मैंने आपको बोला ना बेकरी और मतलब सबसे फेमस यहाँ पे केक सबसे अच्छा है। ओके, और यहाँ के मतलब जो स्नैक्स वगैरह हैं वो कैसे हैं? सभी अच्छे हैं। और ये सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का सारे पालन करते हैं सारे? सभी पालन करते हैं आई थिंक। ओके, थैंक यू। देखा ज्याल हाउस को सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे भी पसंद करते हैं। देखिए कितने सारे कस्टमर्स आए हैं। नमस्ते मैम, आप कैसे हैं? मैं आपसे ज्याल हाउस के बारे में कुछ रिव्यूज ले रही हूँ, तो आप उनका आंसर दीजिएगा कि आपको ज्याल हाउस कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, काफी मतलब इसमें अच्छी चीजें हैं जो कंपैरिजन में यहाँ पे मतलब अच्छी प्रोडक्ट्स हैं काफी। ओके, और प्राइस कैसा है? प्राइस भी ठीक है, डिसेंट है। ओके, और यहाँ पे मतलब सर्विस कैसी, और वर्कर्स हैं कोऑपरेटिव हैं कि नहीं? कोऑपरेटिव।
सर्विस भी अच्छी है, कितनी अच्छी। थैंक यू मैम। आप देख ही रहे हैं कितने कस्टमर्स होने के बावजूद भी कितने आराम से सब हैंडल कर रहे हैं। सो गाइज, अब मैं घर वापस आ गई हूँ, मैं बैक टू नॉर्मल क्लोथ्स में आ गई हूँ। और आई होप कि आपको डेल हाउस अच्छा लगा होगा। तो ईस्ट और वेस्ट, डेल हाउस इज द बेस्ट। रीजनेबल रेट्स पे सारे प्राइस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड अगर आप उसके बारे में कुछ रिव्यूज़ देना चाहते हो तो आप दयाल हाउस रिहाड़ी सर्च करके उस वहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊँ, सो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।